घर को वेल मैनेज्ड, ऑर्गेनाइज्ड और नेगेटिविटी से पाक रखने के लिए नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराने के साथ साथ ऑलरेडी मौजूद यूज्ड, वेस्ट, टूटी हुई और नाकाबिले इस्तेमाल चीज़ों को निकालना भी उतना ही ज़रूरी है। सो टुडे आई एम गोना शेयर 15 हैबिट्स ऑफ माइन विच हेल्प मी टू मेक माई होम डी क्लटर्ड एंड वेल मैनेज्ड। इफ़ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू वुमेनिया ATF। आजकल शॉपिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, इस तरह के कार्डबोर्ड मेश बैग्स, पॉली बैग्स, पेपर बैग्स आना रूटीन में शामिल हो गया है। एंड ऑनेस्टली गाइज, मुझे लगता है कि घर में सबसे ज़्यादा क्लटर भी इन्हीं की वजह से होता है ना। बिकॉज कितना भी हम इनको रीपर्पज, रीयूज़ कर लें, DIYs कर लें, लेकिन इनके घर में आने की स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रीपर्पज और डिस्कार्ड देम। बहुत सारी DIYs और रीसाइकिलिंग की वीडियोज़ आपसे शेयर कर चुकी हूँ, बट फिर भी इनका विजुअल क्लटर हो ही जाता है। बट इनका एक फ़ायदा ये होता है कि हेल्पर्स इनको बेचकर थोड़े तो बहुत पैसे बना लेते हैं, जिससे मुझे ना सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है। समटाइम्स हम चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देते हैं लेकिन उनके रैपर्स और बैग्स और जिस तरह की शैम्पू की बॉटल्स और इस तरह की और बहुत सारी बॉटल्स इकट्ठी होती रहती हैं, जिनको हम अगर टाइम टू टाइम डिस्कार्ड ना करें तो ऐसे खामखा का गंद इकट्ठा हो जाता है। तो एक जगह पर फिर मैं इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेती हूँ। अब जितनी मर्ज़ी मैं हेल्दी लाइफस्टाइल की वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर करूँ, जितना मर्ज़ी हेल्दी लाइफस्टाइल मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, बट बच्चे हैं ना, ना तो जंक खाने से बाज आते हैं और ना ही फिजी ड्रिंक कंज्यूम करने से, तो बस इनका इतना ज़्यादा क्लटर हो जाता है। लेकिन ये मेरे हेल्पर्स के बहुत काम आ जाता है टाइम्स। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ है कि बच्चों की बुक्स हों या स्टेशनरी, इनका क्लटर भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर हम साथ साथ बुक्स को चेक ना करें, और स्पेशली जब सेशन या सेमेस्टर एंड हो रहा हो या जैसे आजकल वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, तो टाइम टू टाइम इनका अगर हम क्लटर ना रिमूव करें तो बहुत ज़्यादा गंद इकट्ठा हो जाता है। और हमारे टाइम में अगर आपको याद हो तो एक कोर्स को बड़े भाई बहन छोटे बहन भाइयों के लिए रख लिया करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। हर साल हर बच्चे का नया कोर्स और नई एक्सेसरीज आना तो मस्ट हो गया, और बच्चे अपनी नई बुक्स लेना ही प्रेफर कर रहे होते हैं। तो मैं इनको भी चेक करती रहती हूँ। अगर नॉवेल्स वगैरह हों तो नियर बाय मैं पब्लिक लाइब्रेरी में डोनेट कर देती हूँ या ओल्ड बुक शॉप्स पर दे देती हूँ, ताकि जो लोग डिस्काउंटेड प्राइस पर बुक्स को ख़रीदना चाहें उनका भला हो जाए। और अगर कुछ पेजेस बचे हों, क्लियर हों, तो उनकी बाइंडिंग करके बच्चों के रफ़ वर्क के लिए रख लेती हूँ। इसी तरह स्टेशनरी को भी मैं ऐसे ही देखती रहती हूँ कि जो भी मार्कर्स या जो भी इनके पेन्स वगैरह हैं, जो काबिले इस्तेमाल नहीं रहे, जो नहीं उनके यूज़ में हैं, तो उनको भी इकट्ठा कर लेती हूँ और एक जगह पर मैं फिर उनको रख लेती हूँ। तो उसके बाद फिर इसी तरह से और भी बहुत सारी घर की चीज़ें होती हैं, जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, मेडिसिंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी डेली लाइफ का। हम इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ज़रूरी मेडिसिंस रखना प्रेफर करते हैं। ऑल्दो हर दफ़ा डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम नई दवाई ही लाना प्रेफर करते हैं, बट इससे क्या होता है कि पुरानी मेडिसिंस पड़ी रहती हैं और नई आ जाती हैं। कुछ की एक्सपायरी आ जाती है और कुछ वैसे ही पुरानी हो जाती हैं। लेकिन हम स्पेशली कान, नाक, पेट दर्द या फिर किसी मामूली चोट की सूरत में पायोडीन, गौज वगैरह रखते ही हैं। विक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑइंटमेंट्स, स्किन ऑइंटमेंट्स भी वक्त के साथ साथ उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो फिर टाइम टू टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिंस को ज़्यादातर मैं क्लीनिंग पर्पजेज के लिए यूज़ कर लेती हूँ, जो मैं आपके साथ वीडियो में शेयर भी कर चुकी हूँ, किचन में यूज़ हो जाती हैं या वैसे। और जो मेडिसिन सही होती हैं उनको करीब ही ट्रस्ट हॉस्पिटल में या डिस्पेंसरी में मैं डोनेट कर देती हूँ। और अगर डिस्कार्ड करूँ तो एक बात का ख्याल रखती हूँ कि सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ इनको मैं पैक करती हूँ, ताकि ऐसे ही रैंडमली किसी डिसेबल पर्सन या इवन कोई जानवर या कोई परिंदा वगैरह ना निकल ले, तो इस बात का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ। इसके साथ साथ घर में क्लटर होने की एक मेन वजह हमारे शूज़ भी होते हैं, क्योंकि शूज़ भी चाहे वो नॉर्मल रूटीन के हों, बच्चों के स्कूल कॉलेज जाने वाले हों, या चप्पलें हों जो घर में रूटीन में पड़ी होती हैं, तो वो ज़्यादा यूज़ होने की वजह से ना थोड़ी सी डैमेज हो जाती हैं या उनके कलर फेड हो जाते हैं या वो रिपेयर के काबिल नहीं रहती, तो उनको भी मैं एक जगह पर रख लेती हूँ, क्योंकि ये एट टाइम्स किसी के काम तो आ नहीं सकती हैं। लेकिन इसके अलावा ओकेजनली पहनने वाली भी हमारी कुछ ऐसी चप्पलें और शूज़ होते हैं जो कि यूज़ में तो कम होते हैं लेकिन पड़े पड़े भी समटाइम्स उनकी एक्सपायरी हो जाती है, वो डैमेज हो जाते हैं और इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। तो इनका भी वक्त के साथ साथ हमारी वार्डरोब या हमारी कैबिनेट के अंदर से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनको ऐसे संभाल कर क्या मिलने वाला है। या कुछ ऐसी चप्पलें भी होती हैं जो कि होती तो सही हालत में है लेकिन अब पहन के समटाइम्स दिल भर जाता है, या हम अगर उनको पॉलीथीन में रैप करके नहीं रखते तो उनके नग वगैरह निकल जाते हैं, लेकिन होती वो पहनने के काबिल हैं। तो हमारी हेल्पर्स
ऐसी होती हैं या हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी चीज़ें पहनना प्रेफर करते हैं, तो ये चीज़ें फिर उनके लिए भी रखी जा सकती हैं। तो जो डिस्कार्ड करने वाली हैं फिर उनको एक जगह पर डालकर तो मैं जमा कर लेती हूँ। हमारी सोसाइटी की गाड़ी भी एक आती है जो कि डोनेशन पर्पजेज के लिए डिफरेंट NGOs के साथ कनेक्टेड होती है, तो मंथली हम एक बैग बना कर रखते हैं जिसके अंदर हम चीज़ें इकट्ठी करते जाते हैं। तो शूज़ से रिलेटेड ही ये जो पॉलिशेज़ है ना हमारी, तो खैर लेडीज़ की कोई इतनी बात नहीं है, लेकिन जेंट्स ने और स्पेशली बच्चों ने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना होता है तो ये हमारी जो पॉलिश की डिब्बियाँ होती हैं ना, ये हमें नहीं अगर हम चेक करें तो वो ड्राई भी हो जाती हैं, कुछ सही भी होती हैं, तो ड्राई पड़ी होती हैं, हमें लगता है कि पड़ी हुई हैं, तो इस चक्कर में फिर नई आती नहीं है, तो फिर जब ज़रूरत होती है तो फिर घर में शोर मच जाता है। तो फिर इनको भी चेक करते रहना चाहिए ताकि जो नई और फ्रेश चीज़ है वो घर में हर बंदे को अवेलेबल हो सके और पुरानी चीज़ें जो हैं या अनयूज चीज़ों को डिस्कार्ड किया जाए। तो उसके साथ साथ ना फिर एक और कॉर्नर है घर का, हाँ जी, लेडीज़ का। ये जो हमारी पोनी कैचर्स वगैरह होते हैं ना, ये इतने ज़्यादा रेट के नहीं होते ना, नॉर्मल रेट्स में आ जाते हैं, लेकिन उसी तरह फिर ये वक्त के साथ साथ ही ये ख़राब भी होते रहते हैं, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते, इनके कलर्स ख़राब हो जाते हैं या इनके अंदर से पिंस रिमूव हो जाती हैं, तो हम इनको ऐसे ही फजूल में जमा करके रखते हैं। हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं जो ख़त्म हो गई होती हैं लेकिन हमने उनको ना इग्नोर किया होता है, और हमारी परफ्यूम्स की बॉटल्स होती हैं। मेरी तरह मुझे बताएं किस किस को पसंद है अच्छी फ्रेगरेंस की वजह से या अच्छे ब्रांड, बड़े ब्रांड की वजह से उसकी बॉटल को, एम्प्टी बॉटल को रखना। और नेल पॉलिश भी हमारी जो है वो वक्त के साथ साथ ड्राई होती रहती है, हमारी समटाइम्स लिपस्टिक्स या कुछ इस तरह की चीज़ें ड्राई हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो अगर हम उनको चेक ना करें तो बस जी वो पड़ी पड़ी ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन उसमें से 100 में से कुछ चीज़ें इस्तेमाल के काबिल होती हैं और कुछ नहीं होती। तो बस ये एम्प्टी बॉटल्स जो थी अच्छे ब्रांड की होने की वजह से मेरा हौसला नहीं पड़ रहा था कि मैं इसको ना डिस्कार्ड कर दूं। और समटाइम्स ऐसे होता है ना, डे बाय डे नई प्रोडक्ट के लालच में हम जो पुरानी चीज़ें हैं उनको इग्नोर करके ना, या हम ट्रायल बेसिस पर नई नई चीज़ें ट्राई करने के चक्कर में या एक दूसरे की सजेशंस में या फिर रेटिंग प्रोडक्ट्स की रेटिंग चेक करके या रिकमेंडेशंस को देखकर हम ऑलरेडी पड़ी हुई चीज़ों के बावजूद नई प्रोडक्ट्स मंगवा लेते हैं जो हमारी ब्यूटी से रिलेटेड होती हैं, स्किन हेयर से रिलेटेड होती हैं। समटाइम्स हम किसी सेलिब्रिटी की स्किन या हेयर से इम्प्रेस होकर ऑर्डर कर लेते हैं, तो रिज़ल्ट क्या होता है कि कई तरह के सीरम्स, ऑयल्स, क्लींजर्स, लोशंस, मॉइस्चराइजर्स, इस तरह की चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो वो एक्सपायर भी हो जाती हैं, तो उनको भी मैं निकालती रहती हूँ। अब आती है ज्वेलरी की बारी। तो ये क्या होता है कि जी ज्वेलरी जो होती है समटाइम्स वो डैमेज हो जाती है क्योंकि गोल्ड तो इतना महंगा हो गया है, और जब हम आर्टिफिशियल पहनते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि भाई हम मैचिंग पहने, लेकिन वक्त के साथ साथ फेड हो जाती हैं, उनके कलर्स वैसे नहीं रहते, ऑक्सीडाइज्ड हो जाती हैं या फिर उनके नाक निकल जाते हैं, तो पड़ी वो होती हैं, तो उनको अगर निकाला ना जाए तो वो फिर ऐसे लगता है कि पता नहीं, हस्बैंड भी कहते हैं कि इतना इन्होंने घर में ये माल इकट्ठा किया हुआ है, और जब बाज़ार जाती हैं तो नई नई चीज़ें पूछती हैं फिर कि हमें लेकर दें। इसी तरह अगर हम अपनी कैबिनेट को खोल लें ना, तो बच्चों के कई कपड़े ऐसे निकलते हैं जो कि छोटे हो जाते हैं, ज़्यादातर तो मेरे बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं क्योंकि वो माशाल्लाह ग्रोइंग एज में हैं, डैमेज तो बहुत ही कम होते हैं, ऐसे हार्डली कभी होता है, तो जब छोटे हो जाते हैं तो वो फिर ऐसे होता है कि बच्चे तो नहीं पहनते, लेकिन उनके लिए फिर किसी को देना ज़्यादा बेस्ट होता है, अपने इर्द गिर्द में लोगों को जिनको ज़रूरत होती है उनको दे दिए जा सकते हैं, या जैसे ये जो है ये क्लीनिंग के पर्पजेज के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन जब फिर भी बच जाए ना तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इन चीज़ों को और चीज़ों के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो बच्चों की ये इस तरह की टाइज और बेल्ट्स भी वक्त के साथ साथ चेक करनी, हस्बैंड की, जेंट्स की, घर के, तो वो भी वक्त के साथ साथ हमें ही चेक करनी होती, क्योंकि वो तो चेक नहीं करेंगे ना, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ मांगनी होती है, हमने उनको वक्त पे प्रोवाइड करनी होती है, तो इनको भी साफ़ करते रहें। आ जाएं अपनी कैबिनेट की तरफ, तो बस जनाब हमारा तो काम होता है नए नए कपड़े बनाना, और जब हमने कहीं जाना होता है तो हम कहते हैं कि यार हमारे पास तो कपड़ा ही कोई नहीं है, तो जब हम अपनी अलमारी खोलते हैं उसमें से कई कपड़े ऐसे निकलते हैं, मैं आपको बताऊं कि जो कि दूसरों को देने के काबिल होते हैं। तो इसी तरह हमारी बेडशीट्स होती हैं, बेड कवर्स होते हैं, पिलोज़ होते हैं, कुशन्स होते हैं, जिनको हम नहीं यूज़ कर रहे होते लेकिन हमने उनको निकालना भी होता है ताकि हमारे घर से जो है वो क्लटर थोड़ा सा कम हो। तो बेडशीट्स ज़्यादातर डैमेज तो नहीं होती, ये तो एक्सीडेंटली इसको प्रेस लग
गई थी ज़्यादा, तो कुछ ऐसी होती है ना, जैसे हमारी हेल्पर्स बेचारी खुद तो ख़रीद नहीं रही होती बेडशीट्स, वो हम पे ही डिपेंड कर रही होती हैं, तो बहुत सारी अच्छी भी होती हैं, अच्छे हालात में भी होती हैं, लेकिन मैं फिर उनके लिए टाइम टू टाइम निकालती रहती हूँ, जमा करती रहती हूँ एक जगह पर, फिर उनको फिर मैं बुला कर तो फिर उनको ये सारी चीज़ें हैंड ओवर कर देती हूँ। उसके बाद घर को सजाना तो हर औरत का एक फितरी ख्वाहिश होती है, लेकिन जो सजाने वाली चीज़ें होती हैं ना, समटाइम्स वो डैमेज हो जाती हैं, उनके कलर फेड हो जाते हैं, और या फिर वो इतनी फ्रेजाइल और इतनी सेंसिटिव होती हैं कि ज़रा सा हाथ लगानी और वो टूट जाती हैं कुछ इस तरह से, और दुख भी बड़ा होता है फिर कि इतनी ये एक्सपेंसिव आ रही होती हैं, तो फिर ये बजाय इसके कि खूबसूरती पैदा करें, ये हमारे लिए डेंजरस हो जाती हैं, तो इनको निकालना भी ज़रूरी होता है। अब आ जाएं किचन की तरफ, तो बहुत सारी हमारी ये ऑनलाइन डिलीवरी के ये पैकिंग्स आ रही होती हैं, प्लास्टिक के बॉक्सेस होते हैं, एक तो प्लास्टिक को रेकमेंड ही नहीं मैं करती, डैमेज हो जाना अलहदा बात है, लेकिन प्लास्टिक को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। इसी तरह ये नॉन स्टिक जो होते हैं ना, ये भी वक्त के साथ साथ ख़राब हो जाते हैं, इनको भी इस्तेमाल करना बंद कर दें। इनकी रिप्लेसमेंट में आप कास्ट आयरन यूज़ करें, स्टेनलेस स्टील यूज़ करें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता, किचन में पड़ी होती हैं और ये एक्सीडेंटली डैमेज हो जाती हैं, तो इनको निकालना भी ज़रूरी होता है। या हम शॉपिंग बड़े शौक से कर रहे होते हैं, घर में इतनी चीज़ें आ जाती हैं कि पुरानी पड़ी होती हैं। इसी तरह बच्चों के ना, छोटे बच्चों के टॉयज़ और बड़े बच्चों के ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और उनके लैपटॉप पीसी और उनके ये प्ले स्टेशन और एक्स बॉक्स वगैरह की एक्सेसरीज इतनी ज़्यादा होती हैं ना, कि उनको भी उनका भी इतना ज़्यादा क्लटर हो जाता है, तो उसमें से जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो रख लें और बाकी निकाल देती हूँ मैं। इसी तरह फ़ोन से रिलेटेड जितने नए मॉडल्स आते हैं, जितने नए हमारे बच्चों के फ़ोन एक्सेसरीज आती हैं, इसी तरह उनकी डाटा केबल्स और उनकी ये वायर्स और हर तरह की चीज़ें भी नई आ रही होती हैं, तो पुरानी निकालें और उनको भी अपने घर से ही निकाल दें, और जिनको ज़रूरत हो उनको दे दें या डोनेट कर दें, तो ये आपका भी भला हो जाएगा और किसी का भी भला हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, एंड येस डेफिनेटली आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अल्लाह हाफिज़।